Hello friends, myself Syed Abdul Manan. Today we will discuss about Standard 8 Science Chapter Number 10, Reaching the Age of Adolescence. This is the third part of this chapter. In previous part we will discuss about pituitary gland के बारे में हमने discuss किया था. We have to see there's hormones. Adolescence जो age है वो पूरा कौन control कर रहा है, hormones कर रहा है. And we have to see that in male hormones, testosterone are produced and estrogen in female. फीमेल्स के अंदर कौन सा प्रोड्यूस होगा, एस्ट्रोजन होगा. ये दोनों प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद ये दोनों मिलेंगे कि इसमें ब्लड के अंदर क्या होंगे, वो ब्लड के अंदर जाकर वो मिक्सअप होंगे और हमारी प्यूबर्टी वाली एज हमारी स्टार्ट होगी. अब जो हम डिस्कस करने वाले रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस. एडोलेसेंस बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन व्हेन देयर टेस्टिस एंड ओवरीज बिगिनिंग टू प्रोड्यूस गैमेट्स. मीन्स हमारी एडोलेसेंस जो एज है उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन सिस्टम कब कैपेबल होगी, जब हमारे टेस्टिस और ओवरीज है वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हो जाएंगे, तब हमारी क्या होगी, रिप्रोडक्शन सिस्टम्स कैपेबल्स हो जाएगी. द कैपेसिटी ऑफ मैच्योरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स लास्ट फॉर मच लॉन्गर टाइम द मेल देन फीमेल्स. मतलब फीमेल की जो ये गैमेट्स जो प्रोड्यूस होने का जो टाइम है कंपेयर टू फीमेल्स के क्या है, ज़्यादा है. मतलब मेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ये प्रोड्यूस हो सकता है गैमेट्स, फीमेल्स के अंदर कम होगा. इन फीमेल द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिनिंग इन प्यूबर्टी 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज. मतलब फीमेल्स के अंदर जो है रिप्रोडक्टिव फेज जो स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 10 to 12 ईयर्स से स्टार्ट होगा. 10 to 12 ईयर्स से क्या होगा, ये गैमेट्स प्यूबर्टी वाला हमारा एज स्टार्ट हो जाएगा. एंड जनरली लास्ट टिल द एज ऑफ द अप्रोक्सीमेटली 45 to 50 ईयर्स. मतलब 10 to 12 से स्टार्ट होगा और 45 से 50 तक क्या हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा. मतलब आफ्टर गर्ल्स 45 to 50 वो प्रेगनेंसी नहीं रख सकती, मतलब उसे वो प्रेगनेंट होने के चांसेस कम है. 10 to 12 ईयर्स से स्टार्ट होंगे चांसेस और 45 to 50 है. फॉर एग्जाम्पल हम 10 to 50 तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 40 ईयर्स तक गर्ल्स जो है प्रेगनेंसी रखने के चांसेस है, मतलब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है. जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उनके प्रेगनेंसी जो कैपेसिटी हो कम होती जाएगी. तो ओवा बिगिनिंग टू मैच्योर विद वन सेट ऑफ द प्यूबर्टी. मीन्स इन बिटवीन टाइम्स जो गर्ल्स के अंदर है ओवा क्या होगा, मैच्योर होगा इन वन सेट ऑफ प्यूबर्टी. प्यूबर्टी के टाइम पर क्या होगा, ओवा रिलीज होगा. जैसे गर्ल्स के अंदर वन ओवम मैच्योर एंड रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन द अबाउट 28 to 30 डेज. मतलब 28 to 30 डेज के बीच में जो ओवम जो है वो क्या करेगा, ओवरीज रिलीज करेगा. ओनली सिंगल वो क्या करेगा, सिंगल ओवरी रिलीज करेगा. और ये जो ओवा जो है, ओवरीज जो है ओवा जो रिलीज करेगा, ये क्या है, ये हमारा 28 to 30 डेज के अंदर वो वन टाइम रिलीज करेगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम्स थिक सो एज टू रिसीव द एग इन केस ऑफ द फर्टिलाइजर एंड बिगिनिंग टू डेवलप. मतलब एट दैट टाइम्स जो ये जो ओवरीज जो है, ओवरीज के अंदर जो ओवा जो रिलीज हुआ, तो एट दैट टाइम्स उसकी यूटेरस जो है उसकी जो वॉल होगी क्या होगी, वेरी थिक हो जाएगी. एंड एट दैट टाइम्स जो मेल का जो स्पर्म जो है, मेल का जो स्पर्म है उसे अट्रैक्ट कर रहा है और फर्टिलाइजर जो हो जाएगा, मतलब वो क्या होगा, फर्टिलाइजर मतलब वो फर्टिलाइज हो जाएगा. तो क्या होगा, वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा, मतलब बेबी बॉर्न होना स्टार्ट हो जाएगा. मतलब फर्टिलाइज होगा तब मतलब उसकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी. दिस रिजल्ट इन प्रेगनेंसी. मतलब मैंने बोला ना, जब स्पर्म उस पर जाकर स्ट्राइक कर रहा है, मतलब दोनों जुड़ रहे, तो एट ए टाइम्स क्या होगा, प्रेगनेंसी होने के चांसेस होंगे. मैं पता 28 to 30 डेज के बीच में एक ओवा रिलीज होगा. ये ओवा जो है एट द टाइम्स यूटेरस की जो वॉल है वो क्या वेरी थिक हो जाएगी. और इन बिटवीन टाइम्स जब रिलीज जब हो रहा है, हमें पता नहीं कौन सी डे होगा, किसी भी दिन होगा, उस दिन जो स्पर्म उसे स्ट्राइक कर रहा है तो क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा और डेवलप्ड होगा. और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी बोलेंगे. इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द रिलीज द एग एंड द थिकनेन लीनिंग ऑफ द यूटेरस एलोंग विद द इट्स ब्लड वेसल्स द सेड ऑफ. मतलब जो फर्टिलाइज नहीं होगा, ये जो एग जो है, जो एग जो बना हुआ है, जो अंडा जो बना हुआ है, क्या फर्टिलाइज नहीं होगा, तब क्या होगा, यूटेरस की जो जो हमारी वॉल थी वो काफ़ी सारी थीक होगी और क्या होगी, वो ब्रेक हो जाएगी. ये क्या होगी, जो ये एग जो है वो भी ब्लड ब्रेक हो जाएगा और उसकी ये क्या होगी, उसकी जो
वेसल्स जो है ब्लड वेसल्स भी क्या होगी वो ब्रेक हो जाएगी, ब्लड वेसल्स ब्रेक हो जाएगी तो क्या होगा ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ये गर्ल्स में ये सिस्टम्स होती है। दिस कॉजेज ब्लीडिंग इन वुमन विच इज़ कॉल मैच्योरेशंस, मतलब ये एग जो है ये क्या एज ब्रेक हो गया और यूटेरस की जो वॉल भी है वो भी क्या ब्रेक हो गई, तो एट ए टाइम्स हो गया ब्लड वेसल्स भी, ये सभी इसके साथ ब्लड वेसल्स भी जुड़ी होती है, तो ब्लड वेसल्स भी क्या होगी ब्रेक हो जाएगी और वो ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा इन गर्ल्स के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे मैच्योरेशन बोलेंगे। तो मैच्योरेशन अकर्स वंस इट्स अबाउट 28 to 30 days, मतलब ये मैच्योरेशन जो है 28 to 30 days के बीच में आ सकता है, मतलब उसका जो टाइमिंग है उसका पीरियड है उसको हम क्या बोलेंगे 28 to 30 days। तो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो बिगिनिंग टू प्यूबर्टी एंड टर्म इज मनार्क, दिस इज़ अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट जब 10 to 12 years के जब गर्ल्स हो रही है तब एट द टाइम जो फर्स्ट टाइम मैच्योरेशन जो आना स्टार्ट हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे मनार्क बोलेंगे। एंड एट 45 to 50 years ऑफ एज मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉपेज ऑफ द मैच्योरेशन इज टर्म मोनोपॉज, मतलब जब 45 या 50 की एज पर जो ये मैच्योरेशंस वाली जो सिस्टम्स बंद होगी मतलब एग बनना बंद हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे मेनोपॉज बोलेंगे। ठीक है, तो मेनार्क और मेनोपॉज दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट आपको पूछेंगे, तो जो स्टार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे मेनार्क बोलेंगे और मेनोपॉज मतलब 45 to 50 के बीच में जब बंद होगा। तो इनिशियली मैच्योरेशन साइकिल्स में भी इनरेगुलर इट टेक सम टाइम टू बिकम रेगुलर, मतलब फर्स्ट जब मैच्योरेशन जो साइकिल जो है ये हमने बोला 28 to 30 days के होगी उसके बाद हो क्या कि मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो है ये साइकिल जो है वो समटाइम्स 25 days में जब स्टार्टिंग होगा न्यू होगा मतलब मेनार्क जो होगा एट ए टाइम्स क्या होगा वो 25 days में भी आ सकते हैं, समटाइम्स 35 days भी लग सकते हैं, मतलब उसका साइकिल क्या होगी डिफरेंट बिकॉज जो हमारा ये बॉडी है वो उससे कैपेबल नहीं है, बस आफ्टर सम टाइम्स थोड़ा 2-3 महीने के बाद आफ्टर 6 months से साइकिल क्या होगी रेगुलर हो जाएगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ कंट्रोल बाय द हॉर्मोन्स, ये कौन कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स करता है। द साइकिल इंक्लूड द मैच्योरेशन ऑफ द एग इज रिलीज थिकनिंग ऑफ यूटेरस यूटेरिन वॉल एंड इट्स ब्रेक डाउन द प्रेगनेंसी डज नॉट अकर्स, मतलब ये साइकिल जब होती है तब एग जो है जब रिलीज होगा, रिलीज होने के बाद मैंने बोला यूटेरस वाली जो वॉल होगी क्या होगी वो ठीक हो जाएगी, जब फर्टिलाइज नहीं होगा मतलब वो प्रेगनेंसी नहीं रख सकता मतलब स्पर्म के साथ वो अट्रैक्ट नहीं हुआ तो क्या होगा वहाँ से वो ब्रेक हो जाएगा तो वहाँ उसके प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएगा मतलब वो ब्रेक हो जाएंगे। इन द केस ऑफ द एग इज फर्टिलाइज इट बिगिनिंग टू डिवाइड एंड देन गेट्स एम्बेडेड इन द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट एज हैव लर्न इन चैप्टर नंबर 9। मीन्स जो फर्टिलाइज हो गया तो क्या होगा यूटेरस के अंदर वो डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और उसके क्या होगा आफ्टर बेबी बॉर्न होगा, ये हमने चैप्टर नंबर 9 के अंदर देखा था, फिगर 9.8 के अंदर आप देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, मीन्स हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं बेबी होगा या गर्ल होगा, तो इस तरह से हम पहले से किस तरह से बता सकते हैं। तो आई हैड मैनी माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजिन हु इज गोइंग टू हैव अ बेबी, देर वेर डिस्कशन वेदर ही सी वुड गिव बर्थ टू अ बॉय और गर्ल, आई वंडर वॉट मेक्स द फर्टिलाइज एग डेवलपमेंट आइदर इन टू द बॉय और बेबी, मीन्स ये जो बुजुर्ग और पहली के जो मदर और एक आंट है वो क्या कर रहे थे, वो डिस्कस कर रहे थे उनके जो कजिन है वो क्या प्रेग्नेंट थी तो उसका अब वो बेबी बॉर्न करने वाली थी तो वो डिस्कशन कर रहे थे भाई बॉय आएगा या गर्ल्स आएगा, किस तरह से पता चलेगा तो हमें देखना है। तो बॉय और गर्ल इनसाइड द फर्टिलाइज एग और जायगोट इज द इंस्ट्रक्शन फॉर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द बेबी, द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंस द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमोजोम्स, मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर क्रोमोजोम्स अवेलेबल होते हैं वो क्या थ्रेड टाइप क्रोमोजोम्स अवेलेबल होते हैं वो क्या कहते हैं ये डिटरमाइन करते हैं, ये मतलब ये बताते कि भाई सेक्स ये क्या बताते कि भाई बेबी होगा या क्या होगा गर्ल्स होगा, ये कौन डिटरमाइन करता है इस क्रोमोजोम्स बोलेंगे उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, इसके पास इंस्ट्रक्शन होते ये बॉय होगा या बेबी होगा उसको हम क्या बोलेंगे क्रोमोजोम्स। इन द फर्टिलाइज एग एग जो है उसके अंदर एक क्रोमोजोम्स अवेलेबल होगा वो बताएगा भाई बेबी होगा या गर्ल्स होगा।
Recall from the chapter number 8, the chromosomes are present inside the nucleus of every cells. तो हमें पता है कि every body के अंदर हमारे पास nucleus available है. Nucleus के अंदर क्या होगा? Chromosomes available है. तो chromosomes के पास क्या होगा? एक information होगी. जब ये fertilize हो गया, मतलब pregnancy है, तो ये boys होगा या girls होगा, उसके पास क्या होगा? Information होगी. All human beings have 23 pairs of chromosomes in the nuclei of their cells. मतलब एवरी ह्यूमन्स के अंदर 23 पेयर्स, कितने पेयर्स के पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के? 23 पेयर्स, मतलब टू टाइप, टू, इसी तरह वन पेयर, टू क्रोमोसोम्स, थ्री क्रोमोसोम्स, इस तरह से 23 पेयर्स अवेलेबल होती है. टू क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दिस आर सेक्स हॉर्मोन, सेक्स क्रोमोसोम्स, मतलब उसमें से टू क्रोमोसोम्स जो है, मतलब पैर है 23 की पैर है, मतलब 46 हमारे पास क्रोमोसोम्स है, उसमें से टू जो है, मतलब वन जो पैर है वो क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम्स होगा. उसको हम क्या नेम देंगे? एक्स और वाई. अ फीमेल हैज़ टू एक्स क्रोमोसोम्स व्हाइल द मेल हैज़ वन एक्स एंड वन वाई क्रोमोसोम्स. मतलब जो फीमेल है उसके पास क्या टू एक्स क्रोमोसोम्स होंगे और मेल है उसके पास एक्स होगा और वाई, दोनों डिफरेंट. मतलब मेल के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, एक्स लेकर आएगा तो क्या होगा वो अभी आगे हम देखने वाले. चलो आगे, तो मेल के पास क्या होता है? एक्स वाई होती है और गर्ल्स के पास क्या होगा? एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं. तो गैमेट्स एग और स्पर्म हैव ओनली वन सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स. मतलब जो हमारे गैमेट्स जो बनाए, मतलब जो स्पर्म बनाए, उसके पास सिंगल क्रोमोसोम्स होता है. क्या होता है? सिंगल, मतलब एक्स होगा तो एक्स, वाई होगा तो वाई, सिंगल क्रोमोसोम्स. द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज वन एक्स क्रोमोसोम्स बट स्पर्म आर ऑफ टू काइंड, वन काइंड हैज एक्स क्रोमोसोम एंड अदर काइंड ऑफ द वाई क्रोमोसोम्स. मतलब गर्ल्स के अंदर क्या होगा? ओनली वन काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स ही अवेलेबल होंगे, एक्स टाइप. बट हमारे जो गर्ल्स, हमारे जो बॉयज़ के अंदर है, एक्स टाइप भी हो सकता है और वाई टाइप भी हो सकता है. सिंगल क्रोमोसोम्स है, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है. सी फिगर 10.4. व्हेन द स्पर्म कंटेनिंग द एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज द एग, द जायगोटा वुड हैव टू एक्स क्रोमोसोम्स एंड डेवलप इन टू द फीमेल साइल. इट इज स्पर्म कंट्रीब्यूट द वाई क्रोमोसोम्स टू एग ओवम एंड फर्टिलाइज द जायगोटा वुड बी डेवलप इन टू द मेल चाइल्ड. मतलब जो हमारा स्पर्म है, मैंने बोला ना बॉयज़ के पास स्पर्म होगा, उसके पास एक्स भी होगा और उसके पास वाई भी होगा, बट गर्ल्स के पास तो क्या दोनों एक्स एक्स ही है. तो जो एक्स जो स्पर्म वाला जो है, उससे जो जायगोटा में जाकर जो फर्टिलाइज होगा, मतलब ओवरी के जाकर जाकर क्या होगा, वो फर्टिलाइज होगा. टू एक्स एक्स जब मिक्सअप हो गया तो क्या होगा? 100% वो गर्ल, बेबी गर्ल पैदा होगी. और वाई एक्स, मतलब एक्स वाई, वाई एक्स जब मिक्सअप होंगे तो क्या होगा, वो मेल प्रोड्यूस होगा. तो हमें डिपेंडेंट किस पर है? मेल पर है. गर्ल्स का तो कोई वर्क ही नहीं है, गर्ल्स के पास तो क्या दोनों एक्स एक्स है, बट डिपेंडेंट पूरा किस पर है? बॉयज़ के पास, क्योंकि उसके पास एक्स भी है और वाई भी है. तो एक्स और वाई, जो बॉयज़ के अंदर से एक्स आएगा टू एक्स एक्स, क्योंकि गर्ल्स के पास तो एक्स ही है, बॉयज़ के पास एक्स एक्स आएगा तो टू एक्स एक्स हो जाएंगे, तो हमारा क्या होगा? गर्ल्स होगा. और एक्स वाई होगा तो हमारा बॉयज़ होगा. तो पूरा डिपेंडेंट किस पर है? हमारे बॉयज़ पर है. नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फर्दर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न बेबी. द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग. टू ब्लेम हर फॉर द टोटली अनजस्टिसफाइज. मतलब जो हमारे, हम ऐसा बोल सकते हैं भाई पूरे गर्ल्स पर डिपेंड हैं, तो ऐसा नहीं है. डिपेंडेंट किस पर है? ये बॉयज़ पर डिपेंडेंट है, बिकॉज गर्ल्स के पास तो क्या है? एक्स एक्स ही है, एक्स एक्स ही है. हमारे बॉयज़ के पास क्या है? एक्स वाई है. तो क्या है, पूरा डिपेंडेंसी किस पर है? बॉयज़ पर है. तो हम गर्ल्स को ब्लेम करना नहीं चाहिए, हमारे लिए गलत चीज़ है. जो नेक्स्ट टॉपिक है, हॉर्मोन्स अदर देन सेक्स हॉर्मोन्स, मीन्स हमारे बॉडी के अंदर ओनली सेक्स हॉर्मोन्स ही अवेलेबल होते हैं या अदर्स भी, वो हमें डिस्कस करना है. लुक एट फिगर 10.3 अगैन. द हॉर्मोन्स सेक्रेटरी बाय द पिट्यूटरी स्टिमुलेटरी टेस्टिस. मतलब जो हमें पता है कि हॉर्मोन्स जो है कौन सेक्रेट करता है? पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट टेस्टिस को क्या रिलीज करता है. एंड ओवरीज टू प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स, मीन्स पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो टेस्टिस के अंदर एस्ट्रोजन्स एंड ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन्स दोनों प्रोड्यूस करता है. ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कौन करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड. यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड. द पिट्यूटरी जो ग्लैंड है वो क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है. इट इज अटैच टू द ब्रेन. दोनों कहाँ पे अटैच है? हमारी ब्रेन के अंदर अटैच है. मतलब यहाँ से पूरा क्या होगा उसका
पूरा कंट्रोल होगा, मतलब पिच्योरिटी ग्लैंड कहाँ पर है हमारी ब्रेन के अंदर अवेलेबल है। अपार्ट फ्रॉम द पिच्योरिटी द टेस्टिस एंड ओवरीज देयर आर अदर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द बॉयज सच एज थायरॉइड पैनक्रीज एंड एड्रेनल्स। मीन्स अपार्ट फ्रॉम पिच्योरिटी ग्लैंड के अलावा भी टेस्टिस और ओवरीज के अलावा भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बॉयज और गर्ल्स के अंदर थायरॉइड पैनक्रीज और एंड्रेलिन तीन टाइप के ग्लैंड्स अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आपको फिगर में दिया हुआ है कि जो पिच्योरिटी जो ग्लैंड है आप देख सकते हो कि पिच्योरिटी ग्लैंड कहाँ पर हमारी ब्रेन में है, जो थायरॉइड ग्लैंड है वो कहाँ पर हमारी यहाँ पर बीच में है हमारे जो गले में बोल सकते हो, एंडोक्राइन जो ग्लैंड है हमारे स्टमक में है, और पैनक्रीज जो ग्लैंड है वो भी कहाँ पर हमारे यहाँ पर भी अवेलेबल है। उसके नीचे आपको दिया हुआ पोजिशन ऑफ द ओवरी इन द फीमेल, फीमेल के अंदर ओवरी कहाँ पर अवेलेबल थी यहाँ पर अवेलेबल होती है, और टेस्टीज है बॉयज़ के अंदर कहाँ पर अवेलेबल होती है यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो पिच्योरिटी ग्लैंड आप देख सकते हो पूरा वो कहाँ पर है, वो ब्रेन है। उसके अलावा थायरॉयड है, एड्रेनल और पैनक्रीज, हमें तीनों तीन के बारे में देखना है। बुजो एंड पहली हैड वंस विजिट देयर आंट हु वॉज अ डॉक्टर एंड रिमेंबर डैट द बॉय नेम्स काका हैड वेरी बिग एंड बल्गिंग थ्रॉट। मतलब वो बुजो और पहली एक उनकी आंट के वहाँ पर विजिट करे, वो क्या ऑलरेडी डॉक्टर है, तो उन्हें देखा कि एक बॉयज जो था उसका नेम क्या था, काका था, उसको देखा कि उनके बिल्डिंग थ्रॉट मतलब उनका जो जो सीड जो था हेड वाले जो पार्ट वो बाहर आते हुए दिखा दे रहा है, मतलब किसी तरह के फूल जाता है ना इस तरह से, हम कहीं होता है कि किसी को देखना ये गले वाला जो पार्ट वो फूल जाएगा, मतलब नॉर्मली हमारा जो जो हमारा जो गले वाला जो पार्ट है वो क्या हुआ वो फूल जाता है किसी का, तो क्या है इस टाइप का उसको कोई डिसीज था। देयर आंट हैज टोल्ड दैट काका वॉज सफरिंग फ्रॉम गोइटर, तो डिसीज ऑफ थायरॉइड ग्लैंड, मतलब उसकी आंट ने बताया कि भाई ये जो काका है वो गोइटर से क्या है सफरिंग कर रहे हैं, मतलब उसको डिसीज कौन सा हुआ है गोइटर, ये क्यों हो रहा है थायरॉइड ग्लैंड बिकॉज ऑफ थायरॉइड। तो थायरॉइड ग्लैंड जब सेक्रेशन नहीं होगा, मतलब थायरॉइड ग्लैंड जब अच्छे से वर्क नहीं करेगी हमें किस तरह की डिसीज होगी गोइटर की होगी। द काका थायरॉइड ग्लैंड वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन्स ऑफ थायरोक्सिन्स, मतलब थायरॉइड ग्लैंड जो है जो काका की जो थायरॉइड ग्लैंड जो है अच्छे से थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेगी। थायरॉइड ग्लैंड है क्या प्रोड्यूस करेगी थायरोक्सिन, वो अच्छे से प्रोड्यूस नहीं होगी तो उसको क्या होगा बल्गिंग थ्रॉट जैसा हमें डिसीज हो सकता है, मतलब गोइटर हम उसको बोल सकते हैं। जैसा किसी का देखना किसी का पैर जो है वो बड़ा हो जाएगा, मतलब नॉर्मली होगा तो एक साइड से ऐसा फुला हुआ दिखाई देगा, है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे गोइटर। तो हमें याद रखना है जो थायरॉइड जो ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करती है थायरोक्सिन प्रोड्यूस करती है, किस टाइप के हॉर्मोन्स थायरोक्सिन, जो थायरोक्सिन प्रोड्यूस नहीं होगा अच्छे से थायरॉइड ग्लैंड जो वर्क नहीं करेगी तो हमें गोइटर का डिसीज होगा। देयर आंट ऑल्सो टोल्ड देम दैट देयर अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम द डायबिटीज, उनके जो अंकल थे वो किसे डायबिटीज से सफरिंग कर रहे थे, बिकॉज इज पैंक्रीज वॉज नॉट प्रोड्यूसिंग द हॉर्मोन्स इंसुलिन इन सफरिंग क्वान्टिटीज, मतलब उन्हें देखा जो जो सेकंड टाइप की जो हमने ग्लैंड जो देखी ना पैंक्रीज, जो पैंक्रीज की जो ग्लैंड थी वो अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करी थी, क्या प्रोड्यूस नहीं करी थी इंसुलिन, इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करी थी, इसीलिए क्या हो रहा था तो उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी उनका अंकल को। आपने कभी देखा होगा किसी की डायबिटीज से जो सफरिंग है तो देखना आप इंसुलिन दिया जाता है उनको, क्या दिया जाता है इंसुलिन, बिकॉज उनकी जो बॉडी के अंदर सफिशेंट इंसुलिन जब प्रोड्यूस नहीं करेगा ये तो क्या होगा पैनक्रीज, जब पैनक्रीज जो ग्लैंड हो अच्छे से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो उनको क्या होगा डायबिटीज़ से वो सफरिंग होगा। बुजो एंड पहली देन आज देयर आंट अबाउट द एड्रेनल ग्लैंड विच आर ऑल्सो शो इन द चार्ट हंग ऑन द वॉल ऑफ द देयर क्लिनिक, मतलब उनके क्लिनिक के अंदर एक चार्ट लगा हुआ था उसके अंदर ये सब ग्लैंड के बारे में दिया हुआ था, वहाँ पर उन्हें एंड्रेनल ग्लैंड के बारे में भी देखा तो पूछ रहे कि भाई एंड्रेनल ग्लैंड क्या है उसका वर्क क्या है। द आंट टोल्ड देम द एंड्रेनल ग्लैंड सेक्रेट हॉर्मोन्स विच मेंटेन द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, मतलब जो एंड्रेनल जो ग्लैंड जो है वो क्या करता है वो हॉर्मोन्स जो हमारे बॉडी के अंदर जो सॉल्ट का जो बैलेंस है सॉल्ट का जो पूरा मेंटेनेंस करता है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर सॉल्ट को बैलेंस रखता है एंड्रेनल ग्लैंड जो है उसका वर्क क्या है हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट को बैलेंस रखना इन ब्लड, ब्लड के अंदर उसका सॉल्ट को क्या रखना बैलेंस रखना। तो एंड्रेनल ऑल्सो प्रोड्यूस देयर हॉर्मोन्स एड्रेनाइल्स, एड्रेनल ग्लैंड जो है वो ऑल्सो प्रोड्यूस एड्रेनाइल प्रोड्यूस करेंगे, थायरॉइड जो है थायरॉइड जो हमारा थायरॉइड जो ग्लैंड जो है
वो क्या करेंगे, थायरोक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, पैनक्रीज है वो इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे, और एड्रेनल ग्लैंड है वो एड्रेनाइल प्रोड्यूस करेगा। वो क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड जो है उसके अंदर जो सॉल्ट का जो वेटेज जो है उसको बैलेंस करेगा। इट हेल्प द बॉय टू एडजस्ट द स्ट्रेस व्हेन वन इज़ वेरी एंग्री एंड एम्ब्रेसेड टू और वरीड, मतलब जब हम गुस्से होते हैं या किसी भी तरह से स्ट्रेस में जब होते हैं तो इस टाइप पर हमारी क्या होगी, एड्रेनल ग्लैंड जो हमारी वर्क करेगी, मतलब हमें नॉर्मल करने का कोशिश करेगी ना। जब गुस्सा हो जाएंगे तो हमारे बोलते हैं ना ब्लड, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा, ये सब चीज़ एट ए टाइम्स क्या होगी, एड्रेनल ग्लैंड हमारी वर्क करेगी। तो थायरॉइड एंड एड्रेनल सेक्रेट देयर हॉर्मोन्स व्हेन दे रिसीव ऑर्डर फ्रॉम द पिट्यूटरी थ्रू इट हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी ऑल्सो सेक्रेट ग्रोथ हॉर्मोन्स विच इज़ नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ फॉर अ पर्सन। मतलब ये थायरॉइड और एड्रेनल जो ग्लैंड जो है कब सेक्रेट होगी, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से उसको मैसेज मिलेगा। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर है, हमारी ब्रेन के अंदर, वहाँ से जब उसको मैसेज पास होगा तो थायरॉइड और एड्रेनल ग्लैंड जो है क्या सेक्रेट करेंगे, थायरॉइड क्या करेगी, थायरोक्सिन और एड्रेनल जो है एड्रेनाइल सेक्रेशन करेगी, वो हॉर्मोन सेक्रेशन करेगी। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हॉर्मोन्स भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा ग्रोथ हॉर्मोन्स भी दिए नॉर्मल पर्सन को ग्रोथ होने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है पूरे सभी का क्या करता है कि मैनेज करता है। तो हम कि आपको ये चीज़ याद रखनी, आपको पूछा जाएगा पैनक्रीज जो है वो क्या कौन से किस टाइप के प्रोड्यूस करती है हॉर्मोन्स, तो हमें इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन नहीं होगा तो क्या होगा कि हमें डायबिटीज़ होगा, थायरॉइड होगा तो हमें क्या होगा, थायरोक्सिन ग्लैंड हमें प्रॉपर होना चाहिए, उससे हमें गोइटर की डिसीज होगी। इस तरह से हमें रिमाइंड रखना है। आई होप आप लोग कंडेस्ट ना होगा। इफ एनी डाउट इफ एनी क्वेरीज आप कमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।